उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की। 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। जामताड़ा से इरफान अंसारी को सीट टिकट दिया गया। आपको बता दें कि जरमुंडी से बादल पत्रलेख को टिकट दिया गया है। कोड़िया हाट से प्रदीप यादव को टिकट दिया गया है। महगामा से दीपिका पांडे सिंह, बड़कागांव से अंबा प्रसाद, रामगढ़ से ममता देवी और मांडू से जयप्रकाश पटेल को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें कि हजारीबाग से मुन्ना सिंह, बेरमो से जय मंगल सिंह, झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अविनाश, 21 उम्मीदवारों को टिकट दे दी गई है कांग्रेस की तरफ से, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब तक ये लोग नामांकन करेंगे? कल देर रात कांग्रेस की तरफ से 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है और कल शाम ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, और उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस की सूची आएगी, और सूची देर रात आई भी। जो सूची में नाम है उसमें अगर आप गौर करें तो 15 सिटिंग विधायक हैं जो पहले भी कांग्रेस के विधायक रहे हैं, पिछले बार भी टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। और एक और अगर हम जेपी पटेल की बात कर लें, मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल, वो उन्हें भी मौका दिया गया है। पिछली बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे और लोकसभा चुनाव के वक्त वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि अभी और 8 सीट या 7 सीटें हो सकती हैं, क्योंकि जो फाइनल इंडिया गठबंधन के अंदर में जो सीटों का फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 29 सीटें मिलेंगी। अगर 29 सीटें मिलती हैं तो अभी 8 और ऐसे सीटें हैं जहां से नाम की घोषणा की जाएगी, और आज शाम तक इन नाम की घोषणा हो सकती है। और 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो जिसके क्षेत्र में जिस चरण में चुनाव होना है उसके लिहाज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अविनाश। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में परिवारवाद पर बयानबाजी तेज हो गई है। उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। दोनों ही गठबंधनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, और इसी के साथ एक बार फिर बिहार की राजनीति में परिवारवाद पर बहस छिड़ गई है। या परिवारवाद का निकृष्ट स्वरूप है कि मुंह से समाजवाद की बात करेंगे, अब मौका मिलेगा तो केवल बेटा बेटी के लिए ही राजनीति करेंगे। सूप दूसरे चलने के जरम 70 को छेद है। नेता एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि किस पार्टी से किसे टिकट मिला। तरारी से बीजेपी ने विशाल प्रशांत को बनाया है अपना उम्मीदवार। विशाल प्रशांत जेडीयू के पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। तो दूसरी ओर आरजेडी ने रामगढ़ से अजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं, सांसद सुधाकर सिंह के भाई। आरजेडी ने बेलागंज सीट से विश्वनाथ यादव को अपना कैंडिडेट बनाया है। विश्वनाथ यादव सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। तो वहीं इमामगंज से HAM यानी हम की ओर से दीपा मांझी चुनावी मैदान में हैं, जो पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी की बहू हैं। किसी के परिवार का राजनीति में होना कोई गुनाह नहीं है, पर सिर्फ एक परिवार से आने के कारण राजनीति में आपका हक होना ये परिवारवाद है। लालू यादव, तेजस्वी यादव अपने सीट को जिसको चाहते हैं उसको पैसा लेकर बेचने का काम करते हैं, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि चारों ही सीटों पर कोई ना कोई उम्मीदवार ऐसा है जिसका किसी न किसी पॉलिटिकल फैमिली से संबंध है। ये अलग बात है कि नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में लगे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। कैमूर के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह ने नामांकन दाखिल कर लिया है। आपको बता दें कि इस बार उपचुनाव में आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे और सांसद सुधाकर सिंह के भाई को प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान अजीत सिंह ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी से हमारी सीधी लड़ाई है। जीतेंगे इस बार, बिहार की जनता बदलाव चाहती है,
पिछले 20 वर्षों से जो ये शासनकाल है, और खासतौर से अगर आप देखेंगे रामगढ़ और कैमूर के संदर्भ में, तो लगता है कि पटना का खजाना का मुंह बंद हो गया है सारी जो विकास से संबंधित। तरारी विधानसभा उपचुनाव में भाकपा माले प्रत्याशी राजू यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान एनजी अलायंस के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महागठबंधन नेताओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए मार्च भी निकाला। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरा लोकसभा सीट से महागठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में आरा से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद संसद पहुंचने में कामयाब हुए। सुदामा प्रसाद के चुनाव जीतने पर तरारी सीट खाली हो गई और इसी कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। गरीबों को जो मुख्यमंत्री जो घोषणा किए हैं 2-2 लाख रुपया मिले, तमाम नौजवानों को रोजगार मिले, जो रोजगार 20 वर्षों से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद है, रोजगार मिले और स्मार्ट मीटर जबरदस्ती नहीं थोपा जाए और स्मार्ट मीटर को वापस लिया जाए और तमाम गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। तरारी विधानसभा सीट से बीजेपी ने विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है। विशाल प्रशांत उर्फ सुनील पांडे को बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का सिंबल दिया गया। बता दें आपको कि बीजेपी के दक्षिण बिहार संयोजक और विधान परिषद अनिल शर्मा ने उन्हें सिंबल सौंपा और विशाल प्रशांत पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। बिहार की 1,239 दारोगा को नियुक्ति पत्र मिला। इनमें एक ट्रांसवुमेन है और 2 ट्रांसमैन शामिल हैं। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां 3 ट्रांसजेंडर को दारोगा का नियुक्ति पत्र मिला है। शपथ लेता हूं कि सरकार और अपने वरिये तथा साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों का विश्वास पात्र बना रहूंगा। बिहार पुलिस के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। बिहार पुलिस को एक साथ 1,239 दारोगा मिले, जिन्हें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां 3 ट्रांसजेंडरों को भी दारोगा का नियुक्ति पत्र मिला है। इनमें 1 ट्रांस वुमेन और 2 ट्रांस मैन शामिल है। अब पुलिस बल की संख्या हुई हो गई 1,10,000 और बीच में हमने 2013 में यह भी हमने तय कर दिया था कि पुलिस में महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण देंगे। मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति पत्र पाकर सभी एसआई काफी उत्साहित हैं। बहुत पहले तो बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं इस वक्त और कोशिश करेंगे कि जो भी करें लॉ एंड ऑर्डर का पालन, एक हिस्सा बनने जा रहे हैं पुलिस विभाग का, तो कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से करें। फिलहाल बिहार में 1,10,000 पुलिस बल है, जिसको और ज्यादा बढ़ाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। बड़ी बात ये कि बिहार में पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां TRE3 के PRT में सीट कम होने का मामले में रोस्टर क्लियरेंस के दौरान मामला सामने आया था। 125 और 628 में लगभग 4,000 ज्यादा सीटें कम हो गई थी। न्यूज़ 18 ने पहले ही सीट कम नहीं होने की बात कही थी। बता दें कि अब GAD के रोस्टर लौटाए जाने के बाद खलबली मची हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के 1,239 दरोगा को नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति पत्र बांटने समय मुख्यमंत्री ने DGP गृह सचिव की तरफ हाथ जोड़कर कहा कि जल्दी से और भी नियुक्ति करा दीजिए। सीएम ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले अगले 6 महीने के अंदर नियुक्तियां हो जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% करिए। जब 1,239 दारोगा को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, तभी सीएम नीतीश के मुंह से निकला 6 महीने में सभी खाली पदों की भर्ती पूरी कर ली। इसलिए अधिकारी लोग मौजूद है जरा इधर ताकि के पहले 6 महीना में ही आप पूरी तौर पर बहाली कर लीजिए। ये देखिए,
मौका बिहार में बहाल 1,240 दारोगा को नियुक्ति पत्र देने का था, जहां मंत्री से लेकर राज्य के बड़े अधिकारी तक मौजूद थे। नियुक्ति पत्र लेने वाले नए नवेले दारोगा जी भी बैठे थे। तभी अचानक सीएम नीतीश डीजीपी आलोक राज की ओर मुखातिब हुए और हाथ जोड़कर कह दिया कि जो भी बहाली होनी है उसे 6 महीने के अंदर पूरा करें। इसलिए अधिकारी लोग मौजूद है, जरा इधर तक कि पहले 6 महीने में ही आप पूरी तौर पर बहाली कर लीजिए। हम आपको ये कहने वाले हैं, समझ गए ना, कि तेजी से करिए। डीजीपी ने भी मुख्यमंत्री को तुरंत आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी हुक्म की तामील होगी, सभी संवर्गों में नियुक्तियां होंगी। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वादा है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी और 24 लाख रोजगार दे दिया जाएगा। फिलहाल 7 लाख से ज्यादा लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 5 लाख से ज्यादा नौकरी की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि विपक्ष नीतीश सरकार के समय में दिए गए नौकरियों का क्रेडिट लेने की कोशिश करता रहा है, जिस पर नीतीश भी खुलकर कहते रहे हैं कि नौकरी उन्होंने दी है और ये बताने की कोशिश की है कि नौकरी मतलब नीतीश सरकार। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर है, जहां महागठबंधन में सीट पर सहमति की संभावना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि आरजेडी के साथ 7 सीट पर सहमति की संभावना है। कौन कौन सी सीटें होंगी, तो गुड्डा, देवघर, छतरपुर, हुसैनाबाद, चतरा, विश्रामपुर, कोडरमा पर सहमति की संभावना है। सीपीआईएमएल के खाते में 4 सीटें जो माले को जा सकती हैं, उसमें बगोदर, धनवार, सिंदरी और निरसा की सीट है। तो देखिए, नाराजगी पहले जताई गई थी आरजेडी की तरफ से, सीपीआईएमएल की तरफ से भी, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि जब 70 सीटों का बंटवारा कांग्रेस और जेएमएम ने कर लिया है, उसके बाद से इन सीटों पर सहमति की संभावना नजर आ रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, पहले नाराजगी आरजेडी की, अब कहा यह जा रहा है कि सहमति बन सकती है, क्या बात हुई है? कल 3 बार रस्ता कसी चली राजद की ओर से, प्रेशर पॉलिटिक्स जो चला, एक तरीके से रुकने मनाने का दौर होता और आखिरकार शाम होते होते इसे शाम ढलने लगी तो एक खबर आई कि 7 सीटों पर सहमति बन गई है। जो 7 सीट आप बता रहे हैं वही 7 सीटें हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश राजद के बड़े नेता जो हैं वो इस पर अपनी कोई भी बयान यानी बात अपने रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि सहमति कितने सीटों पर बनी है। ये सिर्फ उच्च स्तर के नेताओं के बीच बात में बनी है, तो ऐसे में जब तक उनके बीच मैसेज नहीं दिया जाएगा तब तक मीडिया में कोई बात सामने नहीं आएगी। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने में कोई बात है, क्योंकि राजद लगातार 12 सीटों पर दावा कर रहा था, उसका कहना था कि हमारी तैयारी है और जितनी सीटों पर हम चाहते थे अभी तक उतने पर बात नहीं बनी है। लेकिन 7 सीटों पर बात, जो जानकारी मिल रही कि बात बन गई है, बड़े नेता मान गए हैं, अब प्रदेश स्तर के नेताओं को मैसेज देना बाकी है। और अब जो एक तरीके से ऊपरी एकजुटता है वो पार्टी के शीर्ष स्तर पर हो चुकी है। और देखिए, सबसे बड़े कल दिन भर भी यही चली रस्साकसी की, पार्टी के अंदर भी जो टिकट को लेकर बगावत के बिगुल फूंक दिए गए। जो प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष रानी कुमारी, उन्होंने प्रदेश कार्यालय में हंगामा कर दिया कि उनको रांची, वो रांची की बेटी है और रांची से उनको टिकट मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश या ढाका से नहीं आई है, रांची की हैं, और जिस तरीके से महिलाओं को दरकिनार किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय से राजनीति में है और ईमानदार छवि रही है उनकी, तो टिकट उनको रांची से ही मिलना चाहिए। जब उनसे ये सवाल न्यूज 18 ने पूछा कि गठबंधन में रांची की सीट तो जेएमएम को जाएगी, आपको तो राजद के खाते में आ नहीं रही है, फिर भी उनका कहना था कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम निर्दलीय उतरेंगे। मतलब कुल मिलाकर एक तरीके से टिकट को लेकर राजद के भीतर खाने में भी मारामारी चल रही है। लोग जो लंबे समय से राजद में हैं वो अपना मांग रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, तो सहमति की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा करेंगे। किशनगंज पहुंचे गिरिराज सिंह ने बहादुरगंज शिव मंदिर में पूजा की। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो किसी को डराने के लिए नहीं आए हैं, हिंदुओं को जगाने के लिए आए हैं। हिंदुस्तान श्रीराम का है और गिरिराज सिंह ने घुसपैठ और पत्थरबाजी पर भी सवाल उठाए। मैं हिंदुओं से कहने आया हूँ, डरना हमें किसी से नहीं है, न किसी को डराना है, क्योंकि जो लोग कहते हैं भारत किसी के बाप का है, मैं उनको कहना चाहता हूं, हाँ, ये भारत हमारे बाप का है, प्रभु श्री राम का है।
लव जिहाद हो ही रहा है, लैंड जिहाद हो ही रहा है, थूक जिहाद हो ही रहा है। अब तो लड़कों को भी लड़की शादी करा करके उनका धर्म परिवर्तन करा रहा है। कौन सा कहां भाईचारा है? भाईचारा तभी तक है जब तक 77 साल से हम तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंके हैं। लेकिन हमारे रामनवमी, दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन, काली पूजा, हमें रूप देखना पड़ता है। इधर से नहीं जाइए, इधर से जाइए। अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान पूरा शहर रामधुन से गुंजायमान हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का रथ कई मोहल्लों से होकर गुजरा। भारी संख्या में लोगों ने निकलकर यात्रा का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सीमांचल में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि अररिया में भी NRC लागू करना पड़ेगा। दिलीप पटेल जी से आग्रह है कि वो अंगद बस देकर उनको सम्मानित करें। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय रूस का दौरा, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं, उसकी ये तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए ये रूस का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच जो सामरिक संबंध है उसको लेकर के यह बातचीत होगी। और चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दूसरी खबरों की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एक बार फिर से ट्रोल हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बेगूसराय सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ICU वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने पैर लगाने वाले सेफ्टी किट को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सिर पर पहना दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री पैर में लगाने वाले कवर पहनकर घूम रहे हैं। अब जब तस्वीर सामने आई है तो सदर अस्पताल पर सवाल उठ रहे हैं, लोग मंगल पांडे को ट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए, इसी तस्वीर सामने आने के बाद से सवाल भी है, और सवाल ये है कि मंत्री को सर्जिकल कवर क्यों नहीं दिया गया। सवाल ये कि स्वास्थ्य कर्मियों से कैसे ये बड़ी चूक हुई, और क्या ये अस्पतालों की व्यवस्था है जो ऐसी तस्वीर सामने आती है। और अब खबर आ रही है बेगूसराय से, बता दें कि जहां दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में डकैतों ने करीब 35 से 40 लाख की लूट को अंजाम दिया है। इस लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि 4 की संख्या में अपराधियों ने दुकान के अंदर लूटकांड को अंजाम दिया, जिसमें से 2 को दुकानदार ने गोली मार दी, जिनका इलाज चल रहा है। लोगों की घटना के बारे में जब पता चला तो मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और पटना से बड़ी खबर, जहां TRE3 के PRT में सीट कम होने के मामले को लेकर रोस्टर क्लियरेंस के दौरान मामला सामने आया था। बता दें कि 1-5 और 6-8 में लगभग 4000 ज्यादा सीटें कम हो गई थी। न्यूज 18 ने पहले ही सीट कम नहीं होने की बात कही थी। अब GED के रोस्टर लौटाए जाने के बाद खलबली मची हुई है। शिक्षा विभाग ने फिर से 1-5 और 6-8 के संशोधित रोस्टर की मांग की है। आज ही 1-5 में 17 जिलों में फिर से रोस्टर की मांग की गई है। वहीं 6-8 में 12 जिलों से संशोधित रोस्टर की मांग की गई है। शिक्षा विभाग ने आज ही पत्र भेजा और आज ही जवाब मांगा है। स्वीकृत पदों से आखिर रोस्टर में रिक्तियां कैसे कम हुई? अब कल तक जिलों से DO को संशोधित रोस्टर मिलेगा। स्वीकृत पदों के बराबर सीटों पर ही रोस्टर होना है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।